हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री का भी रिवीजन करना है, तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि बोला जा रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल कह रहा है, ठीक कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आरहेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जो कि ये बताता है कि रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो ये इस तरीके से आप लिखते हैं, के इज़ इक्वल टू ए ई माइनस, मतलब के इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर टी गिवन है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा सोच के देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, तो न्यूमरेट, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी क्या होगी, घटेगी। पर घटेगी किधर, घटेगी आपकी माइनस में, तो अच्छी बात है ना, माइनस में घटेगी। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ आ रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू घटेगी ये वाली, और वो नेगेटिव में घटेगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, उतना ही नेगेटिव कम होगा तो उतना ही आपका के क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला जो है वो बोला जा रहा है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। अच्छा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो देखिए, अब की वो जो पिछले वाले में क्या था, डिनोमिनेटर कारण था इस नेगेटिव वैल्यू को कम करने के लिए, है ना। यहाँ पर कारण है अब, सॉरी, हाँ ठीक तो बोला, हाँ यहाँ पर कारण है न्यूमरेटर। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे कैटलिस्ट वगैरह अगर आप ऐड करते हो तो वो ना आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, कैटलिस्ट घटा देता है, क्योंकि वो डिफरेंट पाथ फॉलो कर लेता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो नेगेटिव में वैल्यू घट रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपका के की वैल्यू बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में, तो बिल्कुल डिपेंडेंसी तो है, और ये भी हम लोगों ने देखा कैसी डिपेंडेंसी है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, बोला जा रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको गलत करना है। पहले दो ऑप्शन आपके क्या थे, ठीक थे। ठीक है, कंसनट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी बोला ना पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पर है, टेम्परेचर या एक्टिवेशन एनर्जी कह लो या फिर कैटलिस्ट कह लो। ठीक है, इन तीन पर आपका डिपेंडेंसी है। बेसिकली देखा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर पर ही है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी खुद किस पर डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है। अच्छा, ऑप्शन डी में अगर देखें, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, एक बात बताओ, अगर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है अगर हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो रेट इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू लिखते हैं के इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर आएगा वो अगर नेगेटिव में आएगा तो ये रेट घटेगा कि नहीं घटेगा, सोच के देखो ना। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास कोई रेट ला एक्सप्रेशन है, के इज़ इक्वल टू ए की पावर टू कर लेते हैं माइनस में, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, माइनस टू। आपको पता है ना कि ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको समझ आ रहा है ना, जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे रेट घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो बोल रहा था कि आपका जो क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल गलत कह रहा है, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और लास्ट के दो आपके क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। ठीक है, थैंक यू।